Somebody said very beautifully, we don't need a long list of friends on Facebook or WhatsApp. We need only a friend, those who can read our face and then ask, hi, what's up? Namaskar dosto, this is Bhupinder Singh Rai from CME Institute of Jain. और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 12th क्लास के इंग्लिश ग्रामर को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो कहीं से कहीं उनके 3 से 4 मार्क्स कंट्रीब्यूट करती हैं और ये सेगमेंट होता है उनके कंफ्यूजिंग वर्ड्स और होमोफोन्स को लेकर के। आज मैं डिस्कस करूंगा कि क्या अर्थ होता है लवली और लवेबल का। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में अंतर, आपका प्रिंसिपल क्या, आपके प्रिंसिपल क्या, आपका वेट WEIGHT वेट, WAIT वेट और WPT वेट में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अवार्ड और रिप्लाई में क्या डिफरेंस है। आज हम डिस्कस करेंगे ईच और अदर में क्या डिफरेंस है। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है। तो बने रहिएगा दोस्तों और देखते हैं क्या है इस टॉपिक की बारीकियां। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करता हूं आपसे लवली और लवेबल को लेकर के। लवली का मतलब होता है प्रेटी, या लवली का मतलब होता है आपका ब्यूटीफुल, और लवेबल का मतलब होता है प्रेम करने योग्य, अट्रैक्टिव के सेंस में। यदि मैं कहूं कि ख्वाहिश इज अ लवली गर्ल एंड आई लाइक हर लवेबल क्वालिटीज, कि ख्वाहिश एक सुंदर लड़की है और मैं उसकी नेचर को बहुत पसंद करता हूं, तो लवली और लवेबल में इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और एक होता है EXCEPT, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है आपका को छोड़ करके। आई हैव एक्सेप्टेड एवरीबॉडीज प्रपोजल एक्सेप्ट ऑफ माधुरी दीक्षित। मैंने बहुत सारे लोगों के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया सिवाय माधुरी दीक्षित को छोड़ करके। तो नेक्स्ट वर्ड है वोकेशन और वैकेशन। वोकेशन का मतलब होता है दोस्तों आपका ऑक्यूपेशन, आपका बिजनेस से रिलेटेड कहीं ना कहीं, और वैकेशन का मतलब होता है छुट्टियां। तो मैं कह सकता हूं आई हैव टू ज्वाइन अ वोकेशनल ट्रेनिंग ड्यूरिंग समर वैकेशन, कि मुझे गर्मी की छुट्टियों के दौरान एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एक ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मुझे ज्वाइन करना है। तो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स आपका प्रिंसिपल। यस, सही देखा आपने, सही सुना आपने, ये वही प्रिंसिपल है जो आपके स्कूल का होता है, जिसे हम आपका चीफ या प्रधान भी कहते हैं। लेकिन एक और प्रिंसिपल होता है PRINCIPLE, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है आपके उसूल, आपके सिद्धांत। जब मैं कहूं कि रॉय सर इज प्रिंसिपल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड आई लाइक हिज प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि रॉय सर इस संस्थान के प्रिंसिपल हैं और मैं उनके ईमानदारी की सर्वोत्तम नीति है वाले सिद्धांत को पसंद करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज योर इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है आप लोगों की तरह हार्ड वर्कर, एलिगेंट, जो परिश्रमी हो, जो खूब मेहनत करे, और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है रिलेटेड विद इंडस्ट्री, उद्योग धंधों से संबंधित। हम कह सकते हैं कि राम इज अ वेरी इंडस्ट्रियस स्टूडेंट। राम एक बहुत ही हार्ड वर्कर है, राम एक परिश्रमी लड़का है, एंड ही लिव्स इन इंडस्ट्रियल एरिया, और वो इंडस्ट्रियल एरिया में रहता है। तो इंडस्ट्रियस हार्ड वर्कर और इंडस्ट्रियल जो होता है आपका उद्योग धंधों से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड इज योर वेट, WEIGHT। जी हाँ दोस्तों, ये वही वेट है जो मास के रूप में आप वजन तौलने के सेंस में यूज करते हैं, और एक होता है WAIT इंतजार करना, और एक होता है WET जिसका मतलब होता है गिना। तो वेट का मतलब यहाँ समझ सकते हैं कि आई एम ओवरवेट, सो प्लीज डोंट वेट फॉर माय टर्न, कि मेरा वजन ज्यादा है इसलिए आप मेरे टर्न का इंतजार न करें, और दिस क्लोथ्स आर वेरी वेट, ये कपड़े बहुत गीले हैं। नेक्स्ट वर्ड इज योर प्रे। प्रे का मतलब वही प्रार्थना करने के सेंस में दोस्तों, PRAY, और एक होता है PREY, इस प्रे का मतलब होता है विक्टिम या शिकार। आई ऑलवेज प्रे टू गॉड दैट नोबडी मे बी द विक्टिम ऑफ कोरोना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से प्रे और प्रे में समझें आप। नेक्स्ट है आंसर और रिप्लाई। आंसर का मतलब भी होता है उत्तर देना, रिप्लाई का मतलब भी होता है उत्तर देना। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना लेकिन किसी पूछे गए प्रश्न का, और रिप्लाई का मतलब होता है किसी ने किसी कोरेस्पोंडेंस का या आपके किसी पत्र का। तो यदि हम ये कहें कि आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड इन माय एग्जामिनेशन, और मैं अगर ये कहूं आई रिप्लाई ऑल द लेटर्स, तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न पूछने पर आंसर और किसी पत्र का जवाब देने के लिए आपको रिप्लाई। एंड द नेक्स्ट वन इज योर ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर का मतलब भी होता है एक दूसरे के लिए, और वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे के लिए, लेकिन ईच अदर का यूज सिर्फ आप दो के सेंस में करेंगे।
हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से, ब्रदर एंड सिस्टर एक दूसरे से, और यहां हम कह सकते हैं राम और सीता के बीच एक दूसरे से। तो जब कभी भी सिर्फ दो लोगों के बीच की बात हो वहां आप एक दूसरे के लिए ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। वेरी सीरियसली वेरी सिंपली अगर हम समझें तो ये मान सकते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ केयर ईच अदर, राम एंड सीता रेस्पेक्ट ईच अदर। और वन अनदर का मतलब होता है जब दो से ज्यादा, जब बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम ये कहें कि मेरी क्लास में तमाम विद्यार्थी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ माय क्लास केयर और रेस्पेक्ट वन अनदर। तो इस सेंस में हम चीजों को समझ सकते हैं। तो आई होप कि विद इन अ फ्यू मिनट्स यू कैन इम्प्रूव योर सो मेनी गुड थिंग्स। लेट्स अगेन हम बताएं, लवली का मतलब होता है आपका अट्रैक्टिव, आपका प्यारा, और लवेबल का मतलब हो जाता है आपका प्यार करने योग्य, अट्रैक्टिव। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब हो जाता है को छोड़कर। वोकेशन कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, और वैकेशन कहीं ना कहीं आपकी छुट्टी से रिलेटेड है। तो प्रिंसिपल जो आपके स्कूल का प्रधान होता है, और एक प्रिंसिपल जो आपके उसूल और सिद्धांतों की बात करता है, एक इंडस्ट्रियस आपकी तरह हार्ड वर्कर मेहनती, और एक होता है इंडस्ट्रियल जो आपके उद्योग धंधों से रिलेटेड बातें करता है, एक होता है वेट आपका वजन कितना है, और एक होता है वेट यानी आपका इंतजार करना, एक होता है आपका प्रे यानी कि प्रार्थना करना, और एक प्रे का मतलब होता है शिकार, और एक होता है आंसर किसी पूछे गए प्रश्न का जवाब देने के लिए आप आंसर यूज करोगे, और किसी भी लेटर का जवाब देने के लिए हम यूज करते हैं आपका रिप्लाई, और अंत में है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर सिर्फ दो के लिए, और दो से ज्यादा है तो हम यूज करते हैं वहां पर आपका वन अनदर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इस छोटे से सेशन में अपने 2-3 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जरूर समझे होंगे, कवर किए होंगे, और छोटे छोटे वीडियोस को प्रिपेयर करने में आप लोगों के लिए मैं रियली बहुत मेहनत करती है। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को इन आगामी एग्जामिनेशन से इसका बेनिफिट मिल सके। और अगेन दिन की गहराइयों से प्रेम पूर्वक इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत